शुक्र है रात के खाने में किसी ने मीन मेक नहीं निकाली, बस रात भी आसानी से ऐसे ही आराम से गुजर जाए। रात भी आराम से कट जाएगी और विधि की शादी भी आराम से निपट जाए, तुम देखती जाओ बस। बस माँ मिलाप नहीं करे ऐसा ही। अब मैं मेहमानों को दूध देकर आती हूँ और फिर रसोई भी समेटनी है। अच्छा सुनो, देव साहब कैसे हैं? मतलब आराम से तो हैं? विधि दूध लेके गई है उनके लिए, अब रात को उन्हें या नींद आएगी या नहीं ये तो भगवान ही जाने। दूध रख दिया और ये हाँ एकदम साफ सुथरा बेड, मैंने दूध भी रख दिया और पानी भी रख दिया। पर सर को पानी तो वो एकदम फ्रिज वाला ठंडा लगता होगा। पानी क्या, सर को तो कमरा भी एकदम ठंडा चाहिए होगा, बस मच्छर ना आ जाए। हाँ अरे मैं वो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जला देती हूँ। हाँ नहीं, अगर सर को अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी हुई तो क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब सो रहे हैं, जाग जाएंगे, चिल्लाओ मत। विधि, मैं सोच रहा था कि सब सो गए हैं तो मैं भी घर जाता हूँ और सुबह सुबह जल्दी आ जाऊंगा। मुझे लगा ही था सर आपको यहाँ तकलीफ हो रही होगी, वो आपके हिसाब का इंतजाम नहीं है ना यहाँ। अरे नहीं नहीं विधि, इंतजाम तो परफेक्ट है, लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाप को और परेशान नहीं करना चाहता। वो हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मैं आराम से हूँ कि नहीं, और लड़के वाले भी तो हैं, डबल स्ट्रेस हो जाएगा उनको। प्लीज सर, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि जब आप होते हो ना तो मेरे मम्मी पापा का स्ट्रेस एकदम कम रहता है, प्रेशर एकदम कम रहता है उन पर। तो सर प्लीज आज रात रुक जाइए ना, प्लीज। सर वो आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, अभी मैं जाकर लेकर आऊंगी। वो क्या है ना, मैंने अपने हिसाब से इंतजाम कर दिया था सर। तुम्हारा हिसाब होगा तो परफेक्ट ही होगा सब कुछ, बट थैंक यू। ओके सर। और हाँ सर, वो आपको रात को अगर कोई खटर पटर की आवाज आए ना तो आप डरना नहीं, सो जाना, वो मूषक राज होगा। कौन सा राज? अरे वो चूहे राजा सर, वो हमने उसे पाला नहीं है लेकिन वो अपनी मर्जी से यहाँ रहता है एकदम राजा की तरह, इसलिए मैंने उसका नाम रखा है मूषकराज। तो वो ऐसे कुछ करता नहीं है, ऐसे उछल कूद करेगा और चला जाएगा, तो आप सो जाइएगा, डरना नहीं। ओके, तुम्हारे मूषकराज के नाइट वॉच में मैं आराम से सो जाऊंगा। ओके माँ का फोन। ठीक है सर, आप आराम से बात कर लीजिए, मैं चलती हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट।